मेरा नाम प्रदीप है, मैं एक रिकवरी एडिक्ट हूँ। मुझे नशे से दूर आज 2 साल और 8 महीने हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आया तो स्टार्टिंग में 1 महीना मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मुझे यहाँ से छोड़ देना चाहिए, मुझे कैद में रखा हुआ। मगर जब 1 महीने बाद मेरे घर वाले यहाँ पे आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, तुझे पूरा साल यहाँ पे रहना। मैं वहाँ से चेंज हुआ, मैंने उसके बाद ठान लिया कि अब मुझे यहाँ पे सब कुछ ट्रीटमेंट लेके ही जाना। आज का दिन मुझे 3 साल हो गए रिकवरी में, लगभग 3 साल हो गए। आज के दिन मैं देखता हूँ पीछे तो काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मर चुके हैं इस बीच में, जो आज के दिन में उनको पता नहीं है कुछ को कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। आज के दिन में कुछ जेल के अंदर बैठे हैं और मैं एक HR रिक्रूटर की तरह एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, घर वालों का भरोसा है मुझ पर। मेरे फादर की अभी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो मेरी मदर को भी साथ में लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं पूरा घर तेरे ऊपर। तो इतना भरोसा मैंने कमाया इन 3 सालों में, तो अगर शफा नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पे होता ही नहीं।